हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कॉमर्स सेशन के जो कोर्सेस है वो अभी अवेलेबल है, आप लोग जाके आसानी से परचेज कर सकते हो। दोस्तों, कोर्सेस आपके सामने हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका बीकॉम एंट्रेंस का कंप्लीट कोर्स है। अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो अलाहाबाद हो, चाहे वो डीयू हो, तो आप लोग हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट चीजें प्रोवाइड की जाएंगे। दोस्तों, हम लोग के कोर्सेज की खास बात क्या है, क्योंकि जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, कि आपको हम लोगों कंप्लीट बुक्स आपके घर तक आएंगी, ठीक है। ये सारी बुक्स दोस्तों, जो कि 10 बुक्स हैं, बीकॉम एंट्रेंस और एमकॉम एंट्रेंस दोनों के अंदर, आपको घर तक प्रॉपर हम लोग बुक्स डिलीवर करेंगे, जो कि आपके घर पे आने वाली हैं। बहुत ही बच्चों को हमने, बहुत सारे बच्चों को हमने बुक्स डिलीवर ऑलरेडी कर दी हैं, जो कि उनके घर पे पहुंच चुकी है। एंड आप लोग कोर्स परचेस करते हो तो 3 से 4 दिन के अंदर, अब आज से हम लोग क्या बोलते हैं, बुक्स डिलीवर आपके घर तक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग की कोर्सेज की खास बात क्या है कि हम लोग का बीकॉम एंट्रेंस एमकॉम एंट्रेंस का कोर्स स्टार्ट है। एंड दोस्तों, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो एंड दोस्तों, हमने अभी अभी एक अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया, जिसका नाम है कॉमर्स नेशन का यूजीसी नेट जीआरएफ बोथ पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप लोग नेट जीआरएफ फ्यूचर में जरूर दोगे, एंड बहुत ही अच्छा कोर्स है। हम लोग के सारे फैकल्टी मेंबर्स ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हैं, जो कि मैं खुद दोस्तों नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि हम लोग के जो टीचर्स हैं वो पीएचडी कर रहे हैं, जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का नेट जीआरएफ का कोर्स हो गया, बीकॉम एंट्रेंस और एमकॉम एंट्रेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको बीकॉम एंट्रेंस हो चाहे एमकॉम एंट्रेंस, दोनों में ही आपको बुक्स आपके घर तक दी जाएंगी, कंप्लीट नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। कोर्सेज को ज्वाइन कैसे करना है, आपको कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। आप जाओगे कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको दिखाई देगा स्टोर सेक्शन, वहां पे जाओगे तो बीकॉम एंट्रेंस एमकॉम एंट्रेंस के सारे कोर्सेज आपको वहां पे दिखाई देंगे, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत है, तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग ऐप डाउनलोड करियो, हम लोग खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। एंड दोस्तों, वेट मत करो, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, एंड अभी आपने देखा भी होगा कि कितने सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है इस बार, ठीक है। हम लोग आपको बस बता नहीं आए हैं, ठीक है, हमने आपको दिखाया भी है कि कितने सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है बीकॉम एंट्रेंस एमकॉम एंट्रेंस बीएचयू का, इलाहाबाद का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। एंड क्वालिफाई के साथ साथ दोस्तों, इन्होंने रैंक्स भी लेके आई है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। दोस्तों, मैक्सिमम रैंक कॉमर्स सेशन ने प्रोवाइड की है बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस के अंदर, ठीक है। एंड दोस्तों, हम लोग का जो नया कोर्स है यूजीसी नेट जीआरएफ, इसमें हम लोग बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं। अगर आपके कोई सीनियर है तो आप उनको गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने मनी के थर्ड चैप्टर को, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मनी को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो होगा, जो कि आपका होगा शॉर्ट नोट्स, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिससे आप लोग चीजों को आसानी से याद कर सको। इसके बाद क्या है, इसका डिटेल नोट्स है। तो हम लोग पहले शॉर्ट नोट्स का एक पार्ट होगा, सेकंड पार्ट आपका होगा डिटेल नोट्स का, ठीक है। दोस्तों, टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मनी के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, मनी के कितने क्लासिफिकेशन दोस्तों होते हैं। सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी, मनी के नेचर के हिसाब से मनी के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। तो इसमें बताया गया है एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट। दोस्तों, इसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ओके। तो दोस्तों, पहला यहाँ पे है एक्चुअल मनी। अब ये एक्चुअल मनी क्या है, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल मनी का जो मतलब है, यहाँ पे है कि मनी विच इज करेंटली इन प्रैक्टिस इन अ कंट्री, वो मनी जो कि करेंटली प्रैक्टिस में है, आपके कंट्री में चल रही है, मतलब आपके कंट्री में लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल मनी। आपसे एग्जाम में ये लाइन पूछ दिया था, विच मनी करेंटली प्रैक्टिस इन अ कंट्री, आपके एग्जाम में सीधे सीधे ये लाइन आपसे पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअल मनी। चार ऑप्शन दिया था आपको, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना था, ओके। एंड इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, मतलब इसकी मदद से हम लोग सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके। एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब कि भैया हम लोग फ्यूचर में पेमेंट भी कर सकते हैं, अगर हमको फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना है तो एक्चुअल मनी से पेमेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्या पूछा आपसे, कि भैया कौन सी मनी एक्चुअल में
प्रैक्टिस है कंट्री के अंदर, मतलब एक्चुअल में चलती है, ठीक है ना, लोग उसको यूज करते हैं, तो वो है आपका एक्चुअल मनी, ठीक है। एंड इससे हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट है, परचेजिंग पावर कैन बी स्टोर इन टर्म ऑफ एक्चुअल मनी। आप चाहो तो अपनी परचेजिंग पावर, अपने खरीदने की ताकत को एक्चुअल मनी में स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है ना। अगर बाय चांस एग्जाम में पूछ दिया कि एक्चुअल मनी के अंदर परचेजिंग पावर को स्टोर करने की कैपेसिटी है कि नहीं, तो हाँ भैया, परचेजिंग पावर मतलब आपकी खरीदने की ताकत, ओके। ये भी हो गया, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 1 रुपीज एंड 1 पैसे। दोस्तों ये ओल्ड एग्जाम्पल है, आज के टाइम पे जो आपका पैसा चल रहा है आप उसको एग्जाम्पल मान सकते हो, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले बताया कि एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट, तो भैया एक्चुअल मनी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, एक्चुअल मनी के भी दो टाइप्स यहाँ बताए गए हैं। पहला है कमोडिटी मनी, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव मनी। ये कमोडिटी मनी पुराना वाला कमोडिटी मनी नहीं है, बाटर सिस्टम आया, ये थोड़ा सा अलग है। दोस्तों कमोडिटी मनी क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, कमोडिटी मनी मेड ऑफ सर्टन मेटल, ये धातुओं से बनते हैं, जैसे कि भैया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर कोई और धातु, मतलब मेटल से बनते हैं, ठीक है। इनकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है, फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है, बात को समझो। सपोज कि आपके सामने 10 रुपए का भैया सिक्का है, 10 रुपए का यहाँ पे सिक्का है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो 10 रुपए का सिक्का है, इसके ऊपर ये जो 10 रुपए लिखा हुआ है, ये हो गया इसका फेस वैल्यू, ये क्या हो गया इसका फेस वैल्यू हो गया। एंड दोस्तों जिस धातु से ये बना हुआ है, जिस मेटल से ये बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसकी बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे। ध्यान से समझना, 10 रुपए का जो सिक्का होता है, 10 रुपए के सिक्के के ऊपर जो 10 रुपए लिखा हुआ है, वो हो गया इसकी फेस वैल्यू जो कि दिख रही है। एंड जिस धातु से ये बना हुआ है, जिस मेटल से बना हुआ है, उसकी वैल्यू अगर उसको पिघला के बेचोगे, ठीक है, तो वो हो गया इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो भैया कमोडिटी मनी एक ऐसी मनी होती है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है ना। मतलब कि अगर 10 रुपए एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 रुपए का सिक्का है, तो अगर उसके ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है, तो अगर आप उस धातु को भी पिघला के बेचोगे तो भी आपको 10 रुपए ही मिलेगा। बात समझ आ गई, उसके ऊपर लिखा भी 10 रुपए है, उसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपए है, और धातु की वैल्यू भी 10 रुपए है, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। तो भैया कमोडिटी मनी जो होती है, उसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। एंड दोस्तों इसको हम लोग फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं, फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं, यहाँ पे डी आप लोग लगाए ना, ऑल्सो नोन एज फुल बॉडीड मनी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया फुल बॉडीड मनी किसको कहते हैं, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है ना, एग्जाम में ये आया हुआ है। तो आपकी एक्चुअल मनी के दो टाइप से, पहला है कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी का मतलब होता है कि वो मनी जो मेटल से बनते हैं, जिनकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है, जिनको हम लोग फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं। अगर अब आपके सामने आएगा व्हाट इज फुल बॉडीड मनी, तो क्या बताओगे भैया, वैसी मनी जिसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बता दिया। एंड दोस्तों नॉट ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, साथ ही साथ ये है स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। ध्यान सुनना, नॉट ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज ऑल्सो स्टोर परचेजिंग पावर, ये केवल एक माध्यम ही नहीं है, मतलब ये तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, साथ ही साथ इसमें हम लोग परचेजिंग पावर को स्टोर करके रख सकते हैं, अपने खरीदने की ताकत को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। पैसा है जब चाहे जाके सामान खरीद लो, ओके। तो कमोडिटी मनी भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। अब ये क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव मनी जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है कि मनी है, मनी होता नहीं है बट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो। पहला, मनी विच इज इन सर्कुलेशन, जो क्या बोलते हैं सर्कुलेशन में है, एंड यहाँ पे ध्यान देना, मनी विच इज इन सर्कुलेशन, ओके, मनी विच इज इन सर्कुलेशन, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, वो मनी जो सर्कुलेशन में है। एंड दोस्तों सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि हम लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ क्या बताया कि रिप्रेजेंटेटिव मनी एक ऐसी मनी होती है जो कि सर्कुलेशन में है हमारे कंट्री के अंदर, इसको क्या किया जाए, यूज किया जाए। एंड दोस्तों इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। परचेजिंग पावर कैन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग इसमें अपनी परचेजिंग पावर को स्टोर करके नहीं रख सकते इन टर्म ऑफ दिस मनी। तो भैया रिप्रेजेंटेटिव मनी में परचेजिंग पावर को स्टोर करके नहीं रख सकते, एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ओके।
रिप्रेजेंटेटिव मनी इज नॉट ये अच्छा माध्यम नहीं है मीडियम ऑफ स्टोरिंग अ परचेजिंग पावर। देखो दो बार बताया गया ये बात, ठीक है, बिकॉज इट कमांड इटी इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इसके जो धातुओं की वैल्यू होती है, जो कागज की वैल्यू होती है, वो बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर रिप्रेजेंटेटिव मनी का एग्जाम्पल होता है पेपर मनी, 100 रुपए की नोट है। अगर 100 रुपए के नोट को अगर आप कागज की तरह देखो तो क्या वैल्यू है इसकी? कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसका एग्जाम्पल है पेपर मनी। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दो कि अब आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव मनी। क्या था आपका? रिप्रेजेंटेटिव मनी, ठीक है। इसके भी दोस्तों यहां पे टाइप्स बताए गए हैं, इसके भी यहां टाइप्स बताए गए हैं, चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि देखो आपको होगा कंफ्यूजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्चुअल मनी क्या होता है, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। फिर हमने पढ़ा एक्चुअल मनी के दो टाइप्स, कमोडिटी मनी और रिप्रेजेंटेटिव मनी। अब यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मनी को क्या होता है पढ़ेंगे, ठीक है। हमने देख भी लिया कि रिप्रेजेंटेटिव मनी होता क्या है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। इसके भी कितने टाइप्स है? पहला है कन्वर्टेबल पेपर मनी, दूसरा है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। तो हम लोग इसको भी यहाँ पे ध्यान से देखते हैं दोस्तों। कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होता है? कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो। दैट मनी विच द इशूइंग अथॉरिटी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कन्वर्ट इन टू कमोडिटी मनी। भैया जिसने भी इस मनी को इशू किया होगा वो क्या करेगा, उसका ये दायित्व बनता है कि वो इसको कमोडिटी मनी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब मान लो कि अगर किसी सरकार ने क्या बोलते हैं कन्वर्टेबल पेपर मनी इशू किया है, कोई भी नोट इशू की है, तो अगर बाय चांस कोई दिक्कत आती है तो वो उस पेपर मनी के बदले में, मनी के बदले में क्या होगा, आपको धातु देगा, कमोडिटी मनी देगा, ठीक है ना। ओके, तो दैट मनी विच द इशूइंग अथॉरिटी, जिसने भी क्या किया होगा, इशू किया होगा उस पैसे को, उसका दायित्व बनता है, ठीक है ना, ऑब्लिगेशन बनता है कि वो आपके पैसे को कन्वर्ट कर देगा कमोडिटी मनी को। थोड़ा सा आसान कर देते हैं, मानो कि अगर आप लोग किसी कंट्री में रहते हो एंड वहां पे आपको कन्वर्टेबल पेपर मनी दिया गया है, ठीक है ना, एंड आप उस मनी को यूज करते हो, किसी कारण से वो मनी नहीं चल पाया, तो भैया जिसने उस मनी को बनाया होगा वो आपको उतने रुपए का, उतने पैसे का क्या करेगा, कमोडिटी मेटल आपको दे देगा, धातु आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये होता है कन्वर्टेबल पेपर मनी, ठीक है, जो कि आसानी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इन कन्वर्टेबल पेपर मनी, भैया जो मनी को कन्वर्ट नहीं करती है, जिसने इसको इशू किया है वो कभी भी इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। दैट मनी विच द इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है ना, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू कन्वर्ट इनटू कमोडिटी मनी। इस बात को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्टेबल पेपर मनी वो होती है जिसको इशूइंग अथॉरिटी का दायित्व तो बनता है कि वो दूसरे में कन्वर्ट कर देगी अदर फॉर्म में, कमोडिटी मनी में, बट नॉन कन्वर्टेबल या फिर इनकन्वर्टेबल मनी को भैया इशूइंग अथॉरिटी, जिसने भी इशू किया होगा, एग्जाम इंडिया में कौन है, इंडिया में है अपना आईबीआई, तो भैया वो क्या करेगा, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा, उसका कोई दायित्व नहीं बनता है, ठीक है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपना जो दूसरा पार्ट था एक्चुअल मनी के अगेंस्ट में, मनी ऑफ अकाउंट, ये अपना मनी का दूसरा टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर का दूसरा टाइप है, ठीक है। तो भैया मनी ऑफ अकाउंट क्या होता है, मनी ऑफ अकाउंट क्या होता है, रिफर टू डैट मनी ऑन विच अकाउंट्स आर मेड इन अ कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लाइन से ही आपके क्वेश्चन पूछा गया। ये एक ऐसी मनी है जिस मनी के हिसाब से आपके कंट्री के अंदर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे आप इसको याद करियो कि भैया मनी ऑफ अकाउंट एक ऐसी मनी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मनी आपके कंट्री के अंदर आपके बिजनेस के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, उनको इस मनी के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है ना। बस इसे तो आपसे नहीं पूछेगा, तो आपसे पूछेगा क्या कि एक्चुअल मनी क्या होती है। एक्चुअल मनी का मतलब होता है दैट मनी विच इज करंटली प्रैक्टिस इन अ कंट्री, जो कि करंटली प्रैक्टिस किया जा रहा है कंट्री के अंदर। ये एक अच्छा मीडियम भी होता है और इसमें हम लोग परचेजिंग पावर को भी स्टोर कर सकते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी होता है, ठीक है ना। ये भी आपका हो गया। उसके फिर आपके टाइप्स थे कमोडिटी मनी, फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी, भैया फिर रिप्रेजेंटेटिव के भी दो टाइप थे, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, तो आपको याद होना चाहिए। फिर आपका था मनी ऑफ अकाउंट। मनी ऑफ अकाउंट का मतलब होता है जिस मनी के हिसाब से आपके अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या किया जाता है, कंट्री में बनाया जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट, ये कोई जरूरी नहीं है दिस टाइप ऑफ मनी एक्चुअली इन प्रैक्टिस, की ये भैया प्रैक्टिस में हो हमारे देश में, कि लोग इस पैसे को यूज करें, ठीक है ना, लोग इस पैसे को कंट्री के अंदर यूज करें। ओके, ये भी आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मनी कमोडिटी मनी या फिर मॉनेटरी सिस्टम क्राइटेरिया। तो भैया ऑन द बेसिस ऑफ मनी कमोडिटी या फिर मॉनेटरी सिस्टम क्राइटेरिया के हिसाब से मनी के कितने टाइप होते हैं,
तो पहला आपका है मेटालिक मनी, ठीक है ना, दूसरा आपका है पेपर मनी। तो हम लोग यहाँ पे सबको पढ़ेंगे कि भैया मेटालिक मनी क्या होता है और पेपर मनी क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि मेटालिक मनी के अंदर तीन टाइप बताए गए हैं, स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी और सब्सिडरी मनी। तीनों को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। अब दोस्तों दूसरा होता है पेपर मनी, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी और फिएट मनी। तो इसको भी हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ओके। तो भैया आपका यहाँ पे आता है मेटालिक मनी, सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज मेटालिक मनी। तो यहाँ पे ध्यान दो आपका दोस्तों कि मेटालिक मनी क्या होता है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। मनी इज मेड पर्टिकुलर ऑफ मेटल, भैया वो मनी जो धातुओं से बनता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, निकल, इन सब अगर धातुओं से पैसा बनता है उसको मेटालिक मनी बोलते हैं, ठीक है। मेटालिक मनी के तीन टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड मनी, तो जितना आपको बताएंगे उतना याद कर जाना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। ये शॉर्ट नोट्स है मैंने आपके ये बनाए हैं, आपको चीजों को आसानी से और कम टाइम में याद करने के लिए, ठीक है। पहला दोस्तों हो गया स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी का दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल मनी। क्या नाम है, प्रिंसिपल मनी। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि स्टैंडर्ड मनी इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल मनी, ठीक है। इसको दोस्तों फुल बॉडीड मनी कहते हैं, क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी कहते हैं। भैया फुल बॉडीड मनी का क्या मतलब होता है, जिसकी जिसकी क्या, जिसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है, जिसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, ठीक है। तो भैया स्टैंडर्ड मनी का दूसरा नाम है प्रिंसिपल मनी, उसके बाद इसको फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं। स्टैंडर्ड क्वाइंस आर मेड ऑफ गोल्ड, इनमें जो क्वाइंस बनते हैं वो गोल्ड के बनते हैं और सिल्वर के बनते हैं। भैया स्टैंडर्ड मनी के अंदर जो भी सिक्के बनते हैं वो सोने और चांदी के बनते हैं। दिस क्वाइन आर मेड ऑफ वेरी डिफाइंड, इनके जो क्वाइंस जो बनते हैं वो वेरी डिफाइंड, उनके वेट भी एकदम वेरी डिफाइंड होते हैं और फिटनेस भी, मतलब कि क्वालिटी में कोई कमी नहीं होती है, प्रॉपर साइज के बनते हैं, ठीक है। इनकी इंटरनल वैल्यू एक्सटर्नल वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है ना। इंटरनल का मतलब होता है कि भैया अपने देश के अंदर जो वैल्यू है, एंड एक्सटर्नल का मतलब होता है अपने देश के बाहर जो वैल्यू है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसको आपको बस ऐसे ही याद करना है कि भैया स्टैंडर्ड मनी की इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। इसको आप लोग फुल बॉडी मनी से कंपेयर कर सकते हो कि भैया जिनकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है। तो स्टैंडर्ड मनी आपको समझ में आ जाएगा, पूछेगा कि स्टैंडर्ड मनी इज ऑल्सो नोन एज भैया प्रिंसिपल मनी, इसको और क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है। इसमें क्वाइन कैसे बनते हैं, गोल्ड और सिल्वर के बनते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब दोस्तों आते हैं टोकन मनी। ये टोकन मनी क्या होती है दोस्तों, इज द मनी यूज टू मेकिंग स्मॉलर पेमेंट, ये छोटे छोटे पेमेंट्स करने के लिए होती है, स्मॉलर पेमेंट्स करने के लिए ये मनी बनाई गई है। सब्सिडी ऑफ स्टैंडर्ड मनी, ये स्टैंडर्ड मनी की क्या है, सब्सिडी है, मतलब उसके बिहाफ पे इसको भी यूज कर सकते हैं। जनई मेड ऑफ, ये कैसे बनती है, इनफीरियर मतलब थोड़े से बेकार क्वालिटी के या फिर याइटा मेटल हल्के धातुओं से बनते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, निकल हो गया। भैया जो आपका टोकन मनी होता है वो अच्छे धातुओं से नहीं बनती है, वो थोड़े से इनफीरियर क्वालिटी के धातुओं से बनती है, जैसे कि भैया जो अच्छे क्वालिटी के धातु नहीं होती है, जैसे कि आपका कॉपर और निकल, ठीक है। इनकी इंटरनल वैल्यू ज्यादा होती है एक्सटर्नल वैल्यू के मुकाबले, इनकी ये आपको सीधे सीधे याद करना है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भैया इनकी इंटरनल वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, एक्सटर्नल वैल्यू कम होती है, ठीक है। टोकन मनी भी आपका हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं अपने सब्सिडरी मनी के ऊपर, ये सब्सिडरी मनी क्या होती है, ठीक है। तो भैया इशू टू फैसिलिटेट स्मॉल, ये भी छोटे छोटे पेमेंट्स करने की बनाई गई है, स्मॉलर पेमेंट्स करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। ये जो क्वाइन होते हैं इनकी लो वैल्यू क्वाइंस होती है, क्वाइंस की वैल्यू बहुत कम होती है। फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज, इससे हम लोग किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको गवर्नमेंट इशू कहती है। एंड इसको हम लोग लिमिटेड ईगर टेंडर मनी बोलते हैं। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लिमिटेड ईगर टेंडर मनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है सब्सिडी मनी को किसी को भी कुछ अमाउंट तक दे सकते हो, ठीक है ना, मतलब कि वो उस अमाउंट से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी हम लोग बाद में इसको देखेंगे, बट मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि मान लो कि अगर आप लोग कार खरीदने गए, आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि भैया कोई कार खरीदने पहुंच गया, बाइक खरीदने पहुंच गया और बहुत सारा सिक्का लेके, तो भैया इंडिया के अंदर आप सिक्के को कुछ अमाउंट तक ही दे सकते हो, उसके ज्यादा आप सिक्का नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। तो वो मनी जो आप किसी को कुछ अमाउंट तक दे सकते हो उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं सपोज की बाइक खरीदने गया, बाइक 1,00,000 रुपए की है, तो मैं 1,00,000 रुपए का सिक्का नहीं दूंगा,
वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसकी एक लिमिट होती है कि आप 1000 या 2000 रुपए तक आप क्या बोलते हैं उस सिक्के को दे सकते हो, उसके बाद वो सिक्का एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बात अलग है कि वीडियोस में दिखाया जाता है वो सही नहीं है, वो बहुत सारे कंट्रीज का होता है, बट इंडिया के अंदर आप सिक्कों को या फिर कुछ पैसों को आप कुछ लिमिट तक ही दे सकते हो, उसे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं लिमिटेड ईगट अंडर मनी। तो भैया सब्सिडी मनी क्या है? लिमिटेड ईगट अंडर मनी है, जिसको आप कुछ लिमिट तक ही किसी को दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका दोस्तों हो गया। अब दोस्तों आते हैं पेपर मनी क्या होता है। पेपर मनी भैया जो कागजों से बनता है उसको बोलते हैं पेपर मनी। तो भैया चाइना फर्स्ट कंट्री टू यूज अ पेपर करेंसी, भैया चाइना सबसे पहला देश था जिसने पेपर करेंसी का इस्तेमाल किया था। ये एग्जाम में आपसे पूछेगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा भैया किस कंट्री ने सबसे पहले पेपर करेंसी का इस्तेमाल किया था। जब भी कोई करेंसी पैसा कागज से बनता है तो उसको बोलते हैं पेपर करेंसी, एंड चाइना सबसे पहला कंट्री था। ओके, बैंक ऑफ बंगाल दोस्तों आपको याद होगा, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंकिंग में है ये, फर्स्ट बैंक था इंडिया के अंदर टू हैव इशूड पेपर करेंसी इन 1806। भैया जो आपका बैंक ऑफ बंगाल था वो इंडिया के अंदर पेपर करेंसी को इशू किया था 1806 में, ठीक है, ये आपको याद पता होना चाहिए। अब दोस्तों पेपर मनी के चार टाइप्स होते हैं, पेपर मनी के चार टाइप्स होते हैं। पहला होता है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, पहला क्या है आपका रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। फुली बैकअप बाय गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब कि दोस्तों ये जो मनी होता है इसको छापने के लिए इसके पीछे सोना और चांदी होता है। जब सरकार के पास में सोना और चांदी होता है तभी वो इस मनी को छापती है, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, ठीक है ना, मतलब कि सोना चांदी है तभी उसके अकॉर्डिंग नोट को छापा जा रहा है। इसे ये बोला गया है कि फुली बैकअप बाय गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व, इनके पीछे सोने चांदी का रिजर्व होता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेटल, कि भैया मेटल के वेस्टेज को अवॉइड किया जाए, क्योंकि जब हम लोग मेटल को रख देंगे एंड कागज का नोट छापेंगे इससे क्या होगा, मेटल के वेस्टेज नहीं होंगे, एंड दोस्तों इससे कागज तो ज्यादा अबंडेंस फॉर्म में अवेलेबल है और मेटल भैया रखा जाएगा तो वो वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। हेटन यंग कमीशन इन 1925 द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, भैया हेटन यंग कमीशन जो कि एक बहुत बड़ी कमीशन है, जिसका दूसरा नाम क्या है, जिसका दूसरा नाम क्या है, इसको यहां पे आप लोग लिख रहे हो, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, योयाय कमीशन। तो भैया हेटन यंग कमीशन का दूसरा नाम है योयाय कमीशन, जो कि 1925 के अंदर जिसने बोला था कि भैया क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी को यूज करना चाहिए, ठीक है ना, ओके। एंड दोस्तों ये जो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी है वो पुअर कंट्रीज के अनसुटेबल है, क्यों भैया, क्योंकि जिन कंट्री के पास में सोना और चांदी होगा वही तो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी छाप पाएंगे, क्योंकि इसको छापने के आपके पास सोने और चांदी का रिजर्व होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो भैया हेटन यंग कमीशन के कहने पे ही पेपर मनी को यूज किया गया था 1925 में इंडिया में, कहां पे, इंडिया में भैया, याद रखना कहां पे, इंडिया में, ठीक है, ये भी हो गया। एंड ये पुअर कंट्री के अनसुटेबल है क्योंकि उनके पास सोना चांदी होता नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों कन्वर्टेबल पेपर मनी, वो मनी जिसने इसको इशू किया है उसका दायित्व बनता है कि वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, बाय चांस अगर कोई दिक्कत आती है तो वो आपको उसके बदले में दूसरा पैसा दे देगा, ठीक है। दैट ऑफ मनी विच कन्वर्टेबल इनटू स्टैंडर्ड कॉइन्स एट ऑप्शन ऑफ होल्डर, मतलब इसका मतलब वही है दोस्तों कि वो मनी जो कि दूसरे ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगी होल्डर उसके जिसके पास ये पैसा है उसके कहने पे, जो कि कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे फॉर्म में। इनकन्वर्टेबल जो कि कन्वर्ट नहीं होगी व्हेन द मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब कि जिसने इशू किया है, इंडिया का एग्जांपल अगर उठाएं तो आईबीआई, ठीक है ना, गिव नो जो कोई गारंटी नहीं होती है टू कन्वर्ट पेपर नोट्स इनटू कॉइन्स ऑफ अदर वैल्यूएबल मेटल, कि भैया जब सरकार गारंटी नहीं देती भैया हम इस पैसे को किसी और में कन्वर्ट करेंगे, उसको बोलते हैं इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहां पे आता है कि भैया फिएट मनी क्या होता है, फिएट मनी, तो यहां पे देखो फिएट मनी दोस्तों क्या होता है, इशूड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, भैया जब आपके देश में क्राइसिस कोई दिक्कत समस्या आती है तो उस टाइम पे फिएट मनी को इशू किया जाता है, ठीक है ना। एंड दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी करेंसी भी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जब इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी थी एंड पैसे की कमी पड़ जाती है तो सरकार क्या करती है, एक्स्ट्रा पैसा छापती है, जिसके पीछे हो सकता है कि गोल्ड और रिजर्व ना हो, ठीक है ना, तो हो क्या सकता है, मैक्सिमम टाइम पे नहीं होता है, इसलिए सरकार इस
पैसे को बाद में कन्वर्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये कौन सी आपकी हो गई, इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी होती है। जो फिएट मनी होती है वो क्या होती है, इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी होती है, ठीक है ना। एंड दोस्तों फिएट मनी को हम लोग क्राइसिस के टाइम भी इशू करते हैं, प्रॉब्लम के टाइम पे, इसलिए इसको इमरजेंसी करेंसी भी कहते हैं। नो रिजर्व आर केप्ट बिहाइंड फिएट मनी, इनके पीछे कोई भी रिजर्व, कोई भी सोना चांदी नहीं होता है सरकार के पास में। नॉट बैकअप बाई मेटालिक और नॉट फिड्यूसरी कवर, फिड्यूसरी का मतलब होता है कोई ट्रस्ट नहीं होता है, फिड्यूसरी मतलब क्या होता है, कोई ट्रस्ट नहीं होता है, ओके। मॉनेटरी अथॉरिटी, जिसने भी इशू किया है गिफ्ट, वो कोई भी गारंटी नहीं देती है कि आपके पैसे को कन्वर्ट कर देगी किसी और मेटालिक कॉइन्स के अंदर, ठीक है ना। इशूड इन लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है ना, ये हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही इशू किया जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर किसी कंट्री के अंदर भैया हो क्या गया कि वॉर हो गया, पैसे की कमी पड़ गई, सोना नहीं है, तो उसने इमरजेंसी के टाइम पे कुछ पैसों को छाप लिया, बना दिया, वो चाहे सिक्के हो चाहे नोट हो, उससे मतलब नहीं है, तो उसको बोलते हैं फिएट मनी या फिर इमरजेंसी करेंसी, ओके। हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब भैया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत छोटा छोटा है, ये आपका दो मिनट में याद हो जाएगा कि भैया इकोनॉमिकल मनी क्या होती है। इकोनॉमिकल मनी का मतलब होता है वो मनी जो कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल होती है। आप जाओगे मार्केट में, आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मार्केट में अवेलेबल होगी, ठीक है। कॉस्टली मनी क्या होती है, कॉस्टली मनी का मतलब होता है वो जो कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल होती है, अगर आपको उधार चाहिए तो ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ठीक है भैया। ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो भैया सॉफ्ट मनी क्या होती है, सॉफ्ट मनी, तो भैया यहाँ पे सॉफ्ट मनी क्या होती है आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो सॉफ्ट मनी का मतलब होता है जिसकी डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार आया भी हुआ है, जिसकी डिमांड क्या होती है, कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है। हार्ड मनी क्या होती है, जिसकी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है, इसको आपको याद करना है। सॉफ्ट मनी का डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, और हार्ड मनी का सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, ये आपको याद करना होगा, ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों नीचे आते हैं, भैया फिड्यूसरी मनी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, एकदम आप लोग इंपॉर्टेंट है, नोट करियो, ठीक है ना, एग्जाम में आपसे पूछता है ये, क्या है फिड्यूसरी मनी क्या होती है। रिफर टू डैट मनी, ये एक ऐसी मनी होती है विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि आप आसानी से एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हो सामान को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि आपको क्या है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट है, आपको लोगों के ऊपर क्या है टेस्ट है, इसे ही आप इस पैसे को एक्सेप्ट करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी भी गई है, ठीक है ना, एग्जाम में आपसे पूछी भी गई है, ओके, ठीक है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है ना, ये आप लोग नोट कर लो, ठीक है। फिड्यूसरी मनी मतलब होता है डैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि भैया क्या है आपको ट्रस्ट है बिटवीन पेयर एंड द पेई, पैसा देने और लेने वाले के बीच में क्या होता है ट्रस्ट होता है। तो भैया इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा चेक, इसका एग्जांपल क्या होगा चेक, क्योंकि चेक जब भी आप लोगे या फिर दोगे तो भैया आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होगा, तभी आप चेक दोगे या तो लोगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं क्रेडिट मनी क्या होती है। दोस्तों क्रेडिट मनी का मतलब होता है उधार की मनी, इसका एग्जांपल भी आपका चेक ही होता है। दोस्तों मनी वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, जो कि मैं आपको बता रहा हूं पहले। एंड दोस्तों कमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है इंटेंसिक वैल्यू, ठीक है ना, इंटेंसिक वैल्यू। तो होता क्या है कि क्रेडिट मनी, मान लो आपके पास चेक है 1,00,000 रुपए का, तो चेक की जो फेस वैल्यू होती है जो 1,00,000 रुपए, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन चेक की जो कमोडिटी वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, वो क्या होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी, क्योंकि आप खुद देख रहे हो जो चेक के ऊपर 1,00,000 रुपए लिखा हुआ है, तो 1,00,000 का चेक फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है, मनी वैल्यू बहुत ज्यादा है, फेस वैल्यू को ही मनी वैल्यू कहते हैं। बट दोस्तों कमोडिटी वैल्यू जो होती है उसकी, वो बहुत कम होती है, कागज की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। अब दोस्तों फुल बॉडी मनी का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसकी भैया मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है, मतलब की फेस वैल्यू इंटेंसिक वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है ना, इसको याद करियो, ठीक है। दोस्तों चीप मनी क्या होती है, आपने ये एग्जांपल सुना होगा बहुत बार, मनी विच इज अवेलेबल, जो कि अवेलेबल होती है, ठीक है, बॉरोअर को एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, ओके। एंड दोस्तों नियर मनी क्या होती है, मनी वो मनी जो कि बहुत आसानी से पैसे में कन्वर्ट हो जाती है, ये मनी नहीं होती है बट मनी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। हाई लिक्विड एसेट्स, वो एसेट जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है, एंड डेट आर क्विकली, जो कि बहुत तेजी से इज एंड आसानी से कन्वर्ट होते हैं क्वाइंस के अंदर इनटू क्वाइंस या फिर अदर फॉर्म में, एग्जांपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है,
जो कि होता क्या है, आसानी से पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी बिजनेसमैन को सामान को उधार में परचेज या सेल करना होता है तो बेस ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमें उन्हें शॉर्ट नोट्स को बहुत ही आराम से एंड बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, आप लोग इसको आराम से याद करो। ठीक है, कोई आपको डाउट नहीं होगा, कोई डाउट आप लोग सीधे मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके डिटेल नोट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।